होम्योयोगी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के ब्रिज कोर्स से डरे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एमबीबीएस डॉक्टर इस ब्रिज कोर्स और आयुष डॉक्टरों के बारे में क्या क्या झूठ फैला रहे हैं और इन झूठी बातों का सच क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। आम जनता को जागरूक करने के लिए चलिए हम सिलसिलेवार देखते हैं एमबीबीएस डॉक्टर क्या झूठ फैला रहे हैं और उनका सच क्या है। एमबीबीएस डॉक्टरों का कहना है, हम 5 साल 6 महीने तक एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं, कोई 6 महीने पढ़कर कैसे डॉक्टर बन सकता है। एमबीबीएस डॉक्टरों की तरह आयुष डॉक्टर भी 5 साल 6 महीने की पढ़ाई करते हैं। आयुष डॉक्टर भी 4.5 साल की पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप करते हैं। ये 6 महीने तो ये उस एलोपैथिक मेडिसिन की ट्रेनिंग को देने वाले हैं जिसकी उन्हें परमिशन मिलने वाली है। बाकी की सारी डॉक्टरी आयुष डॉक्टर भी 5.5 साल तक पढ़ता है। हमने एमबीबीएस में 5.5 साल में 18 सब्जेक्ट पढ़े, ये 6 महीने में कैसे पढ़ लेंगे। दोस्तों, होम्योपैथिक डॉक्टर होने के नाते मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट एक एमबीबीएस डॉक्टर 5.5 साल पढ़ता है, वही सब्जेक्ट केवल एक फार्माकोलॉजी को छोड़कर वही सारे सब्जेक्ट, उन्हीं सारे राइटरों की बुक एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी अपने 5.5 साल के कोर्स के दौरान पढ़ता है। तो हमें यहाँ पर उनके 18 के 18 सब्जेक्ट नहीं, केवल एक सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, वह भी केवल कुछ गिनी चुनी मेडिसिनों के लिए पढ़ना है, जिसके लिए 6 महीने पर्याप्त है। आयुष डॉक्टर को 6 महीने के ब्रिज कोर्स के बाद एलोपैथिक मेडिसिन लिखने की परमिशन दी जा रही है, जिसका मतलब है आप एक कार ड्राइवर को हफ्तों ट्रेनिंग देने के बाद हवाई जहाज चलाने की परमिशन दे रहे हैं। देखिए, ये तुलना सरासर गलत है और मैं कहूंगा इन्होंने इस तुलना में अतिशयोक्ति की है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। सारी पैथी के डॉक्टर 5.5 साल का कोर्स करते हैं, अंतर होता है केवल एलोपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन में। तो आप ये तुलना कर सकते हो कि आप किसी एक कंपनी की कार चलाने वाले को किसी दूसरी कंपनी की कार चलाने की अनुमति दे रहे हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट एक कोर्स करवा रही है, 6 महीने की ट्रेनिंग दे रही है। तो यदि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो ऐसा करता है तो इसमें गलत क्या है। एमबीबीएस डॉक्टर पर्याप्त मात्रा में है और सरकार यदि चाहती है कि डॉक्टर की कमी ना हो तो अधिक से अधिक एमबीबीएस कॉलेज खोले जाएं। सच तो यह है कि हमारे देश में डॉक्टरों की भारी कमी है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटलों के सामने यूँ मरीजों की लंबी लंबी लाइनें ना लगती। और चलिए मान लेते हैं कि भारत सरकार अभी इसी समय 1000 नए मेडिकल कॉलेज खोल देती है, तो भी इन कॉलेजों से 5.5 साल बाद 1 लाख डॉक्टर बनकर निकलेंगे और इन 5.5 सालों में भारत की जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि केवल इस बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए भी ये 1 लाख डॉक्टर कम पड़ेंगे। तो सोचिए अभी इस समय हमारे देश में डॉक्टरों की कितनी कमी होगी। ब्रिज कोर्स के बाद आम जनता को समझ ही नहीं आएगा कि उसका इलाज एक एमबीबीएस डॉक्टर कर रहा है या 6 महीने का ब्रिज कोर्स किया हुआ एक आयुष डॉक्टर। जी नहीं, कोई भी ये आसानी से पहचान लेगा, क्योंकि ब्रिज कोर्स करने के बाद डिग्री में परिवर्तन नहीं आएगा। एक बीएचएमएस या बीएएमएस का डॉक्टर अपनी डिग्री पर बीएचएमएस या बीएएमएस ही लिखेगा, बीएचएमएस बीएएमएस अपनी डिग्री पर एमबीबीएस नहीं लिख सकता। इसलिए आप बेफिक्र रहें, कोई भी आसानी से पहचान लेगा कि उसका इलाज एक एमबीबीएस डॉक्टर कर रहा है या ब्रिज कोर्स किया हुआ आयुष डॉक्टर। इससे देश की पहचान आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक जैसी विधाएं विलुप्त हो जाएंगी। जी नहीं, क्योंकि हमें किस मरीज पर आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाओं का या किस मरीज पर एलोपैथिक दवाओं का उपयोग करना है, यह मरीज की स्थिति और मरीज की बीमारी देखकर तय किया जाएगा। और फिर हमारे साथ साथ आप भी तो है ना आयुर्वेदिक और होम्योपैथी को बचाने के लिए, आखिर आप भी तो अपने मरीजों पर आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की दवाओं का उपयोग करते हैं। हाँ, प्लीज़, जो अभी अभी नए नए एमबीबीएस बनकर निकले वो ये ना सोचे कि एमबीबीएस तो कभी भी अपने मरीजों पर आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग नहीं करता। और अधिक जानकारी जानना चाहते तो प्लीज़ आप हमारी चैनल का वीडियो नीम हकीम झोला छाप अवश्य देखिए। इससे एमबीबीएस की वैल्यू खत्म हो जाएगी। जी नहीं, इससे एमबीबीएस की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार से एमडी डॉक्टर को एमएस से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक डीएनबी डॉक्टर को डीएम से फर्क नहीं पड़ता, ठीक इसी प्रकार से एमबीबीएस को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, ये सारे अलग अलग स्तर होते हैं। एक एमएस अलग स्तर है, डीएम अलग स्तर है, एमडी अलग स्तर है, डीएनबी अलग स्तर है, एमबीबीएस अलग स्तर है। इसी प्रकार से एक ब्रिज कोर्स किया हुआ आयुष डॉक्टर भी एक अलग स्तर की तरह काम करेगा। हर स्तर के अपने अलग ग्राहक होते हैं। एक सर्जन के ग्राहक अलग होते हैं, एमडी डीएम डॉक्टर के ग्राहक अलग होते हैं, ठीक उसी प्रकार से एमबीबीएस के भी अपने ग्राहक अलग होंगे। इससे उनकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, यदि एमबीबीएस डॉक्टर अकुशल है, अयोग्य है, तब तो उसके लिए जरूर खतरे की बात है।
यदि आयुष डॉक्टरों को ब्रिज कोर्स के बाद एलोपैथिक मेडिसिन लिखने की परमिशन दी जा रही है तो फिर MBBS करने का मतलब ही क्या है? देखिए, MBBS की उपयोग अपनी जगह अलग है। ब्रिज कोर्स करने के बाद आयुष डॉक्टरों को केवल कुछ एलोपैथिक मेडिसिन लिखने की परमिशन दी जा रही है, ना कि सभी। जबकि एक MBBS डॉक्टर सभी प्रकार की एलोपैथिक मेडिसिन से लिख सकता है, तो MBBS का महत्व तो अपनी जगह रहेगा। जो MBBS करना चाहता सारी मेडिसिन से प्रैक्टिस करना चाहता वह MBBS करेगा, और वह व्यक्ति जो कुछ मेडिसिन के साथ आयुर्वेदिक या होम्योपैथी की दवा देना चाहता वह BHMS या BMS करेगा। MBBS डॉक्टरों को प्रैक्टिस करने के लिए एग्जिट एग्जाम, जबकि ब्रिज कोर्स करने के बाद आयुष डॉक्टरों के लिए कोई एग्जाम नहीं। देखिए, आयुष डॉक्टरों को भी ब्रिज कोर्स करने के बाद एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि अभी भारत में कई प्रदेश जहां पर ब्रिज कोर्स होता है वहां पर ऐसे नियम है कि ब्रिज कोर्स करने के बाद आयुष डॉक्टरों को एक एग्जाम देना पड़ता है। उस एग्जाम में पास होने पर ही आयुष डॉक्टरों को ब्रिज कोर्स का सर्टिफिकेट दिया जाता है, यानी एलोपैथिक मेडिसिन में प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाती है। तो इसी प्रकार की परीक्षा ब्रिज कोर्स करने के बाद आयुष डॉक्टरों की नेशनल मेडिकल कमीशन बिल में भी होगी। NMC बिल पास होने पर जनता का इलाज ब्रिज कोर्स किए हुए क्वैक करेंगे। देखिए, ब्रिज कोर्स करने के बाद आयुष डॉक्टरों के लिए क्वैक शब्द का दुरुपयोग नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार जिस पैथी की आपने पढ़ाई नहीं की है उस पैथी में दवाई लिखने वाला क्वैक कहलाता है। किंतु ब्रिज कोर्स करवाने के बाद तो सरकार उस पैथी की कुछ दवाइयां हमें पढ़ाएंगी, उसकी ट्रेनिंग देगी, तो ब्रिज कोर्स करने के बाद उस पैथी की दवाई लिखने वाला क्वैक नहीं कहलाएगा। इसलिए ब्रिज कोर्स करने के बाद आयुष डॉक्टरों के लिए क्वैक का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, ये थे वह सारे झूठ जो MBBS डॉक्टर आयुष और ब्रिज कोर्स के विरोध में फैला रहे थे। दोस्तों, जानकारी को अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वह भी सच्चाई और झूठ के बीच के अंतर को समझ सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अंत में प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आगे भी हम इसी तरह की रोचक जानकारी आपके सामने पहुँचाते रहें। थैंक यू।